आज हम बात करने जा रहे हैं छत्रपति शाहू महाराज के बारे में। पिछले चार वीडियो में हमने मराठा साम्राज्य का महान इतिहास और महान राजाओं के बारे में जाना था, जिसमें पहले थे श्री शिवाजी महाराज, दूसरे वीडियो में थे श्री संभाजी महाराज, तीसरे वीडियो में थे श्री राजाराम महाराज और चौथा वीडियो था महारानी ताराबाई के ऊपर, और यह है पाँचवा वीडियो श्री शाहू महाराज जी के ऊपर। उन सभी वीडियो की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री छत्रपति शाहू महाराज के बारे में। शाहू महाराज का जन्म 18 मई 1682 में रायगढ़ के किले में हुआ था। वह श्री संभाजी महाराज और महारानी यशोबाई के बेटे थे। 11 मार्च 1689 में जब संभाजी महाराज की मृत्यु हुई, उस समय शाहू महाराज मात्र 7 साल के थे। संभाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने अपने एक सेनापति जुल्फिकर खान को रायगढ़ पर हमला करने का आदेश दिया। संभाजी की मृत्यु के बाद यह संकट मराठा साम्राज्य पर एकदम से आ गया था, और उस समय इस संकट के सामने डट कर खड़ी हुई महारानी येसुबाई। अंत में जब महारानी यह समझ गई थी कि अब इस किले को बचाना थोड़ा मुश्किल है, उस समय उन्होंने राजाराम महाराज को जिंजी जाने का आदेश दिया और वहां से स्वराज संभालने का आदेश दिया। खुद वहीं रहकर उन्होंने युद्ध करने का फैसला किया। 3 नवंबर 1689 में मुगलों ने रायगढ़ किले को अपने अधीन कर लिया। मतलब अगर देखा जाए तो मुगलों को रायगढ़ किले को हासिल करने में लगभग 8 महीने लग गए थे। उसके बाद महारानी और उनके बेटे को नज़रबंद कर दिया गया उसी किले में। शाहू महाराज के छोटे होने के कारण उन्हें महल में घूमने की अनुमति थी। शाहू महाराज ने कम उम्र में ही औरंगजेब का दिल जीत लिया था, जिसके चलते औरंगजेब ने उनका नाम शिवाजी सेकंड से हटाकर शाहू रख दिया था। कुछ समय बाद औरंगजेब ने शाहू महाराज को अकलकोट, इंदापुर, सूबे, बारामती और नेवासी का जहांगीर बना दिया और अपनी 7000 की सेना भी दी। कुछ समय बाद 9 मई 1703 में औरंगजेब ने शाहू महाराज को मुसलमान बनने को कहा। यह बात शाहू महाराज को स्वीकार नहीं थी, जिसके बाद उनकी मां येसुबाई ने औरंगजेब की बेगम को औरंगजेब को मनाने के लिए कहा। कुछ समय बाद औरंगजेब ने शाहू महाराज की जगह किसी 2 मराठों को मुसलमान बनने के लिए कहा। खंडेराव गुर्जर और जगजीवन गुर्जर ने आगे आकर शाहू महाराज की रक्षा की और 16 मई 1703 में मुहर्रम के मौके पर गुर्जर भाइयों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया और उनका नाम अब्दुल रहीम और अब्दुल रहमान रख दिया गया। खंडेराव और जगजीवन गुर्जर छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति प्रतापराव गुर्जर के बेटे थे। आज भी इनके वंशज सतारा में रहते हैं। कुछ समय बाद जब शाहू महाराज छत्रपति बने तो उन्होंने इन दोनों भाइयों को सतारा का सालगांव इनाम दिया। शाहू महाराज और महारानी येसुबाई 1689 से 1707 तक औरंगजेब की कैद में थे। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका बेटा आजम शाह गद्दी पर बैठा, जिसके बाद एक चाल के चलते शाहू महाराज को रिहा कर दिया गया, जो कि हमने पिछले वीडियो महारानी ताराबाई में आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। जब शाहू महाराज सतारा आए तो महारानी ताराबाई और उनके बीच राजगद्दी को लेकर थोड़े विवाद उत्पन्न हो गए, जिसके चलते उन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें शाहू महाराज जीत गए और 12 जनवरी 1708 में शाहू महाराज का सतारा में राज अभिषेक हुआ। यह सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आप हमारे मराठा साम्राज्य की जाके वीडियो देख लीजिए, आपके सारे मराठा साम्राज्य को लेकर डाउट क्लियर हो जाएंगे। 1719 में मराठाओं और मुगलों के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ, जिसमें मेन 5 शर्तें रखी गई, जिसमें कि पहली शर्त थी कि जितने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के किले मुगलों के कब्जे में हैं, वह शाहू महाराज को वापस किए जाएंगे, और दूसरी शर्त थी कि 1719 तक मराठाओं ने जितने भी किले जीते थे या जितने भी राज्य जीते थे, जैसे कि कोंडाज, गोंडवान, वरहाद और हैदराबाद भी स्वराज में शामिल हो जाएंगे, और तीसरी बड़ी शर्त थी कि मुगलों के कुछ इलाकों में स्वदेशी मुखी मराठे वसूल करेंगे और मुगल बादशाहों की निगरानी के लिए 15,000 सैनिक तैनात करेंगे। चौथी शर्त कि मराठा मुगलों को हर साल 15 लाख हॉर्न देंगे, और पांचवी शर्त और आखिरी शर्त
महारानी येसुबाई को मुगलों की कैद से रिहा किया जाएगा। बालाजी विश्वनाथ भट्ट के देहांत के बाद शाहू महाराज ने बाजीराव को अगला पेशवा बनाया। शाहू महाराज को बाजीराव के प्रति बड़ा लगाव था, इसीलिए शाहू महाराज ने कहा था कि एक तरफ 10 लाख की सेना और एक तरफ अकेला बाजीराव, तो मैं बाजीराव को चुनूंगा। शाहू महाराज ने बाजीराव की मदद से पूरे हिंदुस्तान में मराठाओं का नाम फैलाया। जब शाहू महाराज को बाजीराव और मस्तानी के बारे में पता लगा तो उन्होंने चिमाजी अप्पा को खत लिखकर बाजीराव को कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए यह कहा था। अंत तक शाहू महाराज ने 42 साल तक मराठा साम्राज्य को संभाला और 15 दिसंबर 1749 में उनकी सतारा में मृत्यु हो गई। छत्रपति शाहू महाराज ने घर वालों को, अपने सेना को और अपने स्वराज के सपने को भली भांति संभाला। शायद से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर इन्हें नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो पता नहीं उनकी ये क्या मजबूरी है कि उन्हें इन महान राजाओं का इतिहास बताने में सोचना पड़ रहा है। चलो ठीक है, जो है वो नहीं तो हम है ना। शाहू महाराज के बाद मराठा साम्राज्य को राजा राम सेकेंड ने, शाहूजी सेकेंड ने और प्रताप सिंह ने संभाला। उनके बाद पेशवा चालू हो गए थे और अब हमारे मराठा साम्राज्य के 5 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज से शुरू किया था, जिन्होंने 1674 से लेकर 1680 तक राज किया। सेकेंड वीडियो था हमारा छत्रपति शंभाजी महाराज के ऊपर, जिन्होंने 1681 से लेकर 1689 तक राज किया। तीसरा वीडियो हमारा आया था राजा राम महाराज के ऊपर, जिन्होंने 1689 से लेकर 1700 तक राज किया। और चौथा वीडियो हमारा आया था महारानी ताराबाई के ऊपर, उन्होंने राजा राम जी की मृत्यु के बाद 1700 से लेकर 1708 तक राज किया। और उनके बाद आए थे हमारे शाहू जी महाराज, उन्होंने 1708 से लेकर 1749 तक राज किया। अभी तक हमारे मराठा साम्राज्य पर 5 वीडियो कम्प्लीट हो चुके हैं। अभी तो बहुत से वीडियो भी मुझे मराठा साम्राज्य पर बनाने हैं, पर अपन पहले राजस्थान चलते हैं, वहाँ पर घूमते हैं, फिर आएंगे यहाँ पर वापस से। तो ठीक है, यह था छत्रपति शाहू महाराज का एक छोटा सा इतिहास आप सभी के सामने। एट द एंड अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप सभी को पता है कि आपको क्या करना है।